क्या लैंडस्केप है और क्या व्यू है। अकेले तो भाई आने को मैं किसी को एडवाइस भी नहीं देता। थोड़ी सी और हम जाएंगे विनीत किधर, हम जाएंगे उमलिंगला। विनीत ने हाईनेस से बिल्कुल रेला लगा दिया, सारे ऑफ रोड कर डाले। डिजीनेस फील होती है आपको सर, मतलब आपको लगता है कि आपका ब्रेन ना स्लो हो गया है। ही इज फाइन, अभी ठीक है। ये कुछ सुबह सुबह नज़ारे हैं भाई हाल के, देख रहे हो आप कितना प्यारा व्यू है, कितना क्लियर स्काई है। टाइम होने वाला है 10 बज गया। वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड आई होप यू आर डूइंग फ्रूटली फाइन। बाइक है अपनी सारी रेडी है बिल्कुल, और ये जो होम स्टे इसमें हम रुके थे अभी आपको दिखाएंगे चल के, और बढ़िया होम स्टे है। 1500 रुपये पर नाइट का चार्ज नहीं है पर बंदे का, और उसमें डिनर और ब्रेकफास्ट सुबह का इंक्लूडेड है। ठीक है, हाले जैसी जगह में आपको इतना बढ़िया सेटअप मिल रहा है। पेट्रोल हमने रात में ही भर लिया था, 10 लीटर इस बाइक में, 8-9 लीटर उस बाइक में, 5-6 लीटर हाइनेस में, 8-9 लीटर चंदन की बाइक में। तो सारी बाइक से बिल्कुल रेडी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस बस ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। सारा सामान पैक चंदन? बिल्कुल भाई। भाई ये हम लोग का कुछ रूम है देखो, छोटा सा, तो हमने 3 रूम ले लिए थे, आराम से सेटल हो गए उसमें हम लोग। और बढ़िया होम स्टे है यार ये, रूम वूम अच्छे हैं, वॉशरूम भी है। लो भाई दिस इज अवर ब्रेकफास्ट प्लेस, यही हमने कल डिनर भी किया था बट याद नहीं है। ये देखो कितनी बढ़िया क्रॉकरी लगा रखी है। सो ऑल सेट, और आज की जो हमारी डेस्टिनेशन है हमने आपको बताया ही नहीं, आज हम जा रहे हैं दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल रोड यानी कि उमलिंगला पास। तो यहाँ से 75 किलोमीटर दूर पड़ता है अराउंड उमलिंगला, तो अपन जाएंगे और फिर वहाँ से दूसरे रास्ते पे निकल लेंगे। तो एक रास्ते से जाएंगे और दूसरे रास्ते से नीचे आएंगे, बाकी बात है बाइक पर बैठने के बाद। एक बार और हो गया, बस वाह वाह भैया, जय बजरंग बली, निकलते हैं उमलिंगला के लिए। और आज भाई मेरी तबीयत जो है, तबीयत मेरी क्या सबकी, सर दर्द हो रहा है भाई हैवी। यहाँ ऑक्सीजन ना थोड़ा सा हाले में कम है, ऐसा मेरे को फील हो गया। एनीवेज हो सकता है आज व्लॉगिंग में एनर्जी थोड़ी कम दिखे आपको, लेकिन नज़ारे आपको एक नंबर ही दिखेंगे। और आज जब हम लोगों को आज ऑक्सीजन की कमी लग रही है, तो आज ही हम लोगों को जाना है सबसे लो, रियर टायर प्रेशर डज नॉट मैच सेट पॉइंट, चेक टायर प्रेशर। अरे यार लीकेज हो गया क्या इसमें कहीं? ये देखो कितनी सारी बाइकें खड़ी हैं, BMW एंड ऑल। और ये हम आ गए मेन चौराहे पे, पहले हम आए दुकान सो दैट कि हम सामान ले लें अपने लिए। और ये पूछो कि पंक्चर वाला कहाँ मिलेगा यार, स्वाति की बाइक में हवा बहुत कम है। रेंज बढ़ी बाइक की? मैंने देखा ही नहीं, सॉरी मेरी बढ़ गई। तो भाई हमने ले लिया है, पता है क्या, हमने केले वेले ले लिए, पानी ले लिया, खाने पीने का सामान ले लिया, अब जो है निकलते हैं सीधा उमलिंगला के लिए। रास्ते को लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इससे पूछें कोई दिख ही नहीं रहा, ये दिख रहा है एक बंदा आगे। भैया उमलिंगला का रास्ता यही है, यहाँ से सीधा जाना है ना? ठीक है थैंक यू। तो उमलिंगला जाने के ना 2 रास्ते हैं देखो आप, 2 नहीं रास्ते तो 3 हैं। एक रास्ता हाले से जो हम लेके आए हैं, ये आपको ऑफ रोडिंग वाला रास्ता, ऑफ रोडिंग द सेंस की रोड नहीं है बट बड़ा अच्छा सा सुंदर सा व्यू है। तो अभी रोड है, आगे जाके रोड ख़त्म हो जाएगी, तो या तो आप उस रास्ते जा सकते हैं। दूसरा रास्ता एक फोटीला वाला है, वो रोड अभी बन गया है पूरा अच्छा, तो हम उससे वापस जाएंगे। ये देखो बीच बीच में ना पानी पानी आ जा रहा है, बस साला बड़ी है, मेरे को लगा छुटकी छुटकी वाटर क्रॉसिंग है, ये तो बड़की बड़की निकल गई। हम लोग विनीत पिछली बार इस रास्ते से गए थे, देखो वो बाइक भी जा रही है, दिख रही है वो, देखो भाई देखो बाइकें चल रही हैं, बाइकें उधर ही से जा रही हैं सब। आओ इन्हीं बाइकरों को पकड़ भी लेते हैं। उमलिंगला 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 जाता है ना? हाँ ठीक है, हाँ हाँ इधर जाना ना, इधर हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है थैंक यू। ये देखो पत्थर के मार्कअप लगाए तो हैं इस पर, है ना, यही तो रास्ता है। नहीं याद आ गया यार, क्या बात कर रहे हो, आ जाओ कम ऑन। कुछ नहीं होती, यहाँ चले जाओ, कुछ ना कुछ हेल्प तो मिल ही जाएगी साथ, क्योंकि यहाँ मैप ऐप काम नहीं करता भाई।
पिछली बार तो हम लोग जब गए तब कुछ भी पता नहीं था, इस बार तो बहुत कुछ पता है। देख लो भाई नज़ारे देख लो, ये है रास्ता दुनिया के सबसे ऊंचे पास का। ओए होए अभी थोड़ी एनर्जी आई, सुबह की थकान जो थी वो जा रही है। अब भाई ड्रोन उड़ाने के चक्कर में सब लोग निकल गए आगे और मैं रह गया पीछे। और ये आप लोग कभी मत करना अगर आप उमलिंगला जा रहे हो किसी भी साइड से, अपना ग्रुप आपको बिल्कुल दिखता रहना चाहिए आंखों से। खैर मैंने तो उनसे बोल रखा है कि आगे रुक जाना जाके, और यहाँ रास्ता पता है, बट आप लोग ये गलती बिल्कुल भी मत करना। बाइक में हवा भी कम हो गई है यार, जैसे यहाँ धूप जाती है ना भाई साहब इतनी तेज़ ठंडी हो जाती है। हमारा ग्रुप आगे हमारा इंतज़ार करता हुआ, यही तो उमलिंगला का थ्रिल है भाई, कुछ पता नहीं है यहाँ पे, बस चलते जाना है। अकेले तो भाई आने को मैं किसी को एडवाइस भी नहीं देता, ग्रुप के साथ आओ। जिस होम स्टे में हम लोग रुके थे वहाँ आके भैया ने बताया कि दो दिन पहले यहाँ पे कुछ लोग, दो बंदे गुम गए, अपने ग्रुप से बिछड़ गए, एंड उसके बाद सुबह 4 बजे मिले और बहुत ही गलत रास्ते पे चले गए थे। सोचो पूरे दिन उनको ढूंढा गया। भाई हमें एक और ग्रुप यहाँ मिल चुका है। अच्छा ये वही तो हैं जो वहाँ खड़े थे। So good to see you sir. Same here, कैसे हैं आप? I follow you sir. Thank you, absolutely fine. Same here. अरे बिल्कुल बिल्कुल. Typical लग रहा है और इनको देखा। कैसे हो आप लोग सर? बढ़िया। हेलो हेलो दीप। ये राजस्थान BMW ग्रुप है सर। अरे नाइस, मैंने देखा तो था बट पता नहीं चला कि कहाँ से आ रहे हैं आप लोग। हेलमेट देखे मैंने, सेम हेलमेट लिया। अरे नाइस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो बढ़िया, लेट्स हैव फन। ओके बाय बाय, चलो। चंदन मेरी जान, रास्ता छोड़ के कहाँ चली ये है भैया यहाँ का ऑफ रोड, संभाल के आना ठीक है। आज 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 यहाँ से ऐसा गए हो भाती, यहाँ से एक चक्कर मार गई पूरा वहां तक बट अच्छा है ना, कुछ है नहीं तो तुम गिरोगे नहीं, बस चलते चले जाओगे। मजा आ रहा है भाई उमलिंगला में, मजा आ रहा है। मैंने देखा कि विनीत सीधा जा रहा है, तुमने एक लेफ्ट टर्न ले लिया है। मेरे बोला कोई दूसरा रास्ता होगा तुम्हें नरबुला की जगह टरबुला टॉप से जाना ऊंचाइया पूरा। भैया बाइक गिरेगी क्या? अबे सही तो जा रहे हैं विनीत, चढ़ाई भी खूब है। रुको रुको चंदन रुका है, रुक। यहाँ से आप व्यू देखो, ये देखो पूरा वही फ्लैट दिख रहा है जिसपे हम लोग चल के आए हैं। बाप रे, और अभी और आगे चढ़ाई है बाबा। अब ये कहाँ से निकल गया अपनी तो तो शॉर्टकट मार गया भाई। क्या टेरेन है, ब्यूटीफुल। और अब ठंड बढ़ती हुई, तापमान गिर के हो गया है 13 डिग्री सेंटीग्रेड। अबे विनीत तुम साले सब शॉर्टकट लिए ले रहे हो, देख रहे हो कहाँ से ले जा। आओ बेटा हम भी ले चलेंगे अब की बार। वाह ठीक है, ये शॉर्टकट ओके ओके था, नॉट वेरी वेरी टफ। आगे बस मिट्टी है स्वाति, ये मिट्टियाँ बहुत परेशान करती हैं, बाकी तो सब ठीक है। वो विनीत तो सिर्फ शॉर्टकट शॉर्टकट ही जा रहा है यार। ओह भाई दैट इज समथिंग, जब तक ये थ्रिल ना आए तब तक बाइकिंग का मजा ही क्या है। क्यों भाई सही बात है कि नहीं, क्योंकि फ्लैट चढ़ाई में चढ़ा रहे हैं हम लोग। बेटा सब शॉर्टकट ले रहे हो तुम, तुम्हारे चक्कर में हम भी ले रहे हैं। चलो उमलिंगला तुम ऐसे ही तो नहीं चले जाओगे, चलो हाइनेस है अल्टीमेट किंग भैया।
मज़ा आ गया भाई इस रोड पे। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं आगे का रास्ता पीछे वाले रास्ते से और अच्छा होता चला जा रहा है। ऐसा रास्ता पूरे इंडिया में और कहीं नहीं मिलेगा आपको, देख रहे हो भाई साहब। आराम से विनीत से कनेक्ट नहीं हो रहा थोड़ी सी। कम ऑन। और इस बार ना मैंने कैमरा ऑन ही किया और तुम गिर गए। फाइनली इतना बढ़िया ऑफ रोड करने के बाद हमें रोड दिख रही है। क्या बात है जी, क्या बात है। भगा लो स्वाति, अब गिरते गिरते आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी भगाओ, ऐसी स्किड मारो कि बिल्कुल चढ़ जाए रोड पे जाके। मजा आया भाई साहब, लेकिन इस पैच पे मजा आया। जितनी बार आते हैं दिल खुश हो जाता है। अरे बढ़िया बढ़िया रोड मिलेगी, मजा मजा आएगा। ओए 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 ओए, वी आर वेटिंग एज यू हैव गॉट स्मॉल लेग्स। आओ कुछ खाते हैं यार, थोड़ा सा भूख लग रखी ना। हाँ आओ। स्वाति को लगा कि बढ़िया सा कोई रेस्टोरेंट खुल रखा है यहाँ पे। जुरसार, उमलिंगला, देमचोक। उमलिंगला जाना है तो लेफ्ट, देमचोक के लिए लेफ्ट। और हम जाएंगे विनीत किधर, हम जाएंगे उमलिंगला। विनीत ने हाईनेस से बिल्कुल रेला लगा दिया, सारे ऑफ रोड कर डाले। स्वाति दो की स्पीड में गिरी थी, दो की स्पीड में ऐसे ऐसे जा रही थी, रुक के चला रही थी, ओहो गिर गया। इस लेन से अपने आप ऑटोमेटिकली गिर आ गया है। इस लेन से फिस्टेल होते होते अपने आप गिर आ गया। अबे ये तो छोड़ो विनीत, बेस्ट फिस्टेल मैं बताता हूँ। विनीत ऐसे जा रहा था, ऐसे स्वाति ऐसे जा रही, मैंने देखा स्वाति इधर चली गई 90 डिग्री। पूरा 90 डिग्री टर्न मार गई। मैंने कहा इधर भी कोई रास्ता है क्या। मजा सा आ गया। तो भाई सबने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा खा लिया। अपने बनानास खा लिए, चिप्स खा लिए, पानी पी लिया, और ग्लव्स हम चेंज कर रहे हैं विंटर ग्लव्स, क्योंकि आगे बहुत तेज ठंडी बढ़ने वाली है। तब कंफर्टेबल होकर चलेंगे अपने विंटर ग्लव्स में, है ना। आज फिर से फतेह करेंगे उमलिंगला एक बार फिर से। कहो दिल से उमलिंगला फिर से। कमाल का ये व्यू है और कमाल की रोड है। आगे कम से कम 5 किलोमीटर तक की रोड दिख रही है हम लोगों को, वहाँ पे गोपुरों में नहीं दिख रहा होगा। और क्या लैंडस्केप है भाई साहब, डेडली। ये देखो, ये देखो तो रोड भाई साहब बेहतरीन। ये देखो जो हम लोग विंडोज पीसी नहीं चलाया करते थे, उसमें जो वॉलपेपर आता था बिल्कुल ऐसा ही दिखता था भाई, सही में तो लग रहा है यहीं से खींच के ले गए थे वो लोग। हर 10 मिनट में एक सरप्राइज मिल रहा है इस रोड पे, हर 10 मिनट में। चिशुमले रह गए 25। हो वो देखो रोड है जिससे हम लोग आए हैं। अरे बाप रे, ये कौन से आगे बंदा। अच्छा ये एक शॉर्टकट है साइड में दिख रहा है, ये आ गया आई थिंक नरबुला टॉप। लो जी एक और पास, पास के पास आ गए। अरे यार हम लोग 17,328 फीट पे हैं, मेरे को लग रहा था कहीं 15,000-16,000 फीट पे होंगे। गजिया तभी 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 इतनी हाइट पे ना, सही बात है। हम लोगों को ना डिजीनेस फील होती है आपको सर, मतलब आपको लगता है कि आपका ब्रेन ना स्लो हो गया है, उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये लो भैया आ गए चिशुमले, चिशुमले। और यहाँ से ये आ गया ब्रिज, और यहाँ से अपने को शायद लेना रहेगा राइट। लड़के हमारा इंतज़ार करते हुए, गेट वे टू उमलिंगला। आ जाओ, फुटीला यहाँ से है 12। ये BRO कैफे भी है भाई 19,024 फीट पे। ओए होए, स्वागत है दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड पे। अभी आई ना बिडू एनर्जी। यहाँ बताओ कैंप भी लगने लग गए, पहले ये सब कुछ नहीं हुआ करते थे 2 साल पहले। बताओ कितने प्राउड की बात है कि हम लोग दुनिया की सबसे ऊंची रोड पे बाइक चलाएंगे। वाह यार, वो भी मैं दूसरी बार चलाऊंगा। इससे पहले आए थे अपने कालू भाई पे, कालू भाई। इस बार आए अपने बबलू भाई पे, बबलू भाई पे। बहुत सारे राइडर्स ऑलरेडी उमलिंगला करके आते हुए। भाई BMW GS 310 लगती है बाइक है कोई, ये तो मानना पड़ेगा।
और पिछली बार जब हम लोग उमलिंगला आए थे मौसम खराब था, बारिश हो रही थी, इतना ठंडा पैच था भाई ये। इस बार तो बहुत ही मौसम अच्छा है, गर्मी सी हो रखी है। फास्ट वोंट लास्ट, क्या बात लिखी है बियारों ने। ये देखो सामने से आई सुपर मीटियोर, और ये कोई बाहर की फॉरेन की बाइक है भाई, ओल्ड मॉडल आई थिंक BMW है, कौन सी है पता नहीं, डुकाती। अच्छा ये फॉरेनर भैया लेके आ रहे हैं, हायर देन एवरेस्ट बेस कैंप, क्या बात है। अब अपन लोग आ चुके हैं एवरेस्ट के बेस कैंप से ऊपर। और भैया दबदबा यहाँ है, यहाँ भी दबदबा है हिमालयन का। गाइस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं उमलिंगला, सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर बाद। लो जी आपकी खिदमत में पेश है दुनिया का सबसे ऊंचा पास, दैट इज उमलिंगला। वो व्हाट अ फील। लो जी पहुंच गए उमलिंगला। तो भाई लोग अपन पहुंच गए उमलिंगला टॉप पे, वो देखो 19,024 फीट। व्हाट अ प्राउड फीलिंग मैन, इतना दिल खुश है ना। हेलमेट तुम आप उतार के व्लॉगिंग नहीं कर सकते क्योंकि मैं ना अंदर वाले माइक से आवाज़ ले रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा ठंडी और तेज़ हवा है, और यहाँ ज़्यादा देर रुकना नहीं होता क्योंकि दिक्कत होती है आपकी ऑक्सीजन में ना, कमी बहुत ज़्यादा है। तो विनीत और चंदन ऑलरेडी निकल गए नीचे, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, हम लोग बस निकलते हैं यहाँ से। बाकी ये कुछ व्यू है, यो यो वी आर एट वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास उमलिंगला। इज फाइन, अभी ठीक है, अरे अच्छा ओके ओके। हाथों की कुल्फी जमी जा रही है ना, ग्लव्स भी पहन ही लेते हैं भाई। सरप्राइजिंग चीज, चाइना का टाइम पकड़ने लग गया फोन, देखो शाम का 5 दिखा रहा है। अबे यार मैं डर गया, देख के मैंने इतनी जल्दी शाम हो गई, अभी तो 2:30 बजा था। बैंड बज गई भाई, नीचे उतरते हैं, अब झेली नहीं जा रही, सर हो गया बहुत भारी। ओ मैन, और हवा ऐसी चल रही ना, मतलब आंधी तूफान भी फेल है इसके आगे। अब जो नीचे ढाबा था वहाँ चल के करते हैं लंच। बाइक बंद है, 81 की स्पीड आ गई, गजब की स्पीड बन रही है। हालांकि नॉट एडवाइसेबल, आपको बाइक बंद करके चलानी नहीं है। लो भाई अपन नीचे उतर आए उमलिंगला से, किशुंग ले रह गया है सिर्फ 2 किलोमीटर दूर, वहाँ नीचे ढाबे थे जो ब्रिज है, तो वहाँ अपन रुक के अब लंच करेंगे क्योंकि टाइम हो गया है 3। उसके बाद अपन निकलेंगे, पता है कहाँ के लिए बताते हैं आपको, चलिए वहीं चल के बताते हैं। न्यू नोमैडिक रेस्टोरेंट, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। मामा साहब अगर तुम लोग यार नहीं रुके होगे ना तो तुम्हें 100 गालियाँ दूंगा। यहाँ क्यों नहीं रुके, क्यों नहीं रुके? मेरे को भूख लगी बहुत तेज है। हैं? अच्छा अरे वाह, इसमें जांचकार करके आप कैसे किया भाई? गजब, मानना पड़ेगा आपको भाई। अभी देखो विनीत को ना थोड़ा सा ड्राउजीनेस फील हो रहा था, तो हम इसका ऑक्सीजन चेक कर रहे हैं, सबका कम आ रहा है, 91 कम तो है, इसे तो अपनी उंगली दिखा लेते हम। काम करो, थोड़ा दौड़ के आओ। बता दो कुछ मालिक। और भाई ऑक्सीजन बहुत कम हो गया बॉडी में, 84 देख रहे हो, मशीन भी बीप कर रही है, तभी मैं कहूँ इतनी देर से इतना ड्राउजीनेस सा फील हो रहा था। तो मैन जल्दी निकलो विनीत, चलो भाई नेक्स्ट राउंड लगाते हैं। अभी हम लोग यार 117 किलोमीटर बाइक चलानी है न्योमा पहुंचने के लिए, और उसमें से एक बड़ा सा पास आएगा जिसका नाम है फोटीला। आ जाओ, किधर से? तो अपन हाले से जब आए थे तब इधर से आए थे। अरे भाई बीच में बहुत ही बड़ा कट है यार इसमें ब्रिज में, और अब अपन चल रहे हैं टुवर्ड्स न्योमा, तो अपन चलेंगे इधर। इधर पड़ता है आपका कोयूल वाला रोड, फोटीला पास, सब इधर ही पड़ता है। कोयूल इज 28। शाम के अपने मज़े हैं भाई, देख रहे हो क्या बढ़िया सन जो है पहाड़ों के ऊपर आ गया, बिल्कुल थोड़ी देर में सेट हो जाएगा। रास्ता ले लिया हमने फोटीला टॉप के लिए, अब चढ़ेंगे ऊपर आसमानों में ऊँचाइयाँ और फिर और ऊँचाइयाँ। हाल फोटीला होके दिखा रहा है ना,
हाँ, तो फुटीला क्रॉस करते करते 27 किलोमीटर लग जाएंगे। ये देखो बादलों की परछाई भाई पड़ रही है पहाड़ों पे, कितने सही लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने काला त्रिपाल ढक दिया उतने एरिया में। लो भाई एक और पास कंकर कर लिया हम लोगों ने एक ही दिन में। तो यहाँ पे लगा इसका बोर्ड फुटीला पास। ओ भाई साहब 18,124 फीट, हल्का फुल्का पास नहीं है, 18,000 फीट पे है पास। एंड यहाँ से आप जरा व्यू देखो, क्या व्यू है। और हमने देखो फोटोग्राफी कर ली, बड़ी मेहनत लगती है भैया। लाइक वाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। तो भाई वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो खूब सारे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब तो कर ही लेना अगर नहीं किया है ना। 5,000 लाइक कर देना टारगेट दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग मानते नहीं हो यार, है ना। 5,000 लाइक दे देना और 500 कमेंट दे देना, बस मज़ा आ जाएगा। फिलहाल हम फटीला से नीचे उतरते हैं, यहाँ हमारी फटीला हो रखी है। क्या कलर है पहाड़ का भाई साहब, मतलब अगर कोई बनाने बैठे तो ऐसा कलर बना ना पाए भाई। ये यहाँ से व्यू देखो आप, कसम से यार दिल जीत लिया इस व्यू ने। तो आप लोग अगर उमलिंगला आ रहे हो तो नूरबुला टॉप वाले रास्ते से आ सकते हो, और वापसी अगर आपको हालने में ही रुकना है तो आप फटीला पास से वापस जा सकते हो। आपके दो दो पास भी कवर हो जाएंगे और बहुत सारे नए नए लैंडस्केप्स भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि भाई टफ रास्तों पे आओगे तब तो सीखोगे, रास्ता जितना तीखा हमने उतना सीखा। चलो भाई खींचो, आऊँ पत्थर भी आऊँ। उड़ता ही फिर इन हवाओं में, मुड़ जा मुड़ जा मुड़ जा मुड़ जा, अरे मुड़ गई। देखो आप गीजा के पिरामिड देख रहे हो, पिरामिड भी है इंडिया में, हाले के पिरामिड्स हैं ये। एक कर दूं आसमां और जमीन। लो भाई बाय बाय हानले, अब अपन निकलते हैं लोमा 49-50 और वहाँ से 30-80 किलोमीटर दूर है अभी न्योमा। और हमारा प्लान है कि आज हम न्योमा में रुकें भाई, बाइकर साइड से निकलते हैं, इतना बढ़िया लगता है ना, मस्त व्यू देखो यार, कितना प्यारा सनसेट हो रहा है, मज़ा आ रहा है। This isn't my life, let's pretend it was a great night, let's pretend that it was real nice, let's pretend that it's a movie, let's pretend that it's a story, let's pretend that it was glorious, cause that's where I do my best work, that's where I see my real world, and fiction you just can't get hurt, in the imaginary world, yeah. लोमा आ गए भाई लोमा, और यहाँ पे यहाँ से अपन लोमा से आगे बढ़ेंगे न्योमा के लिए। आई होप रोड मोस्टली ठीक है, बीच में एक आध जगह शायद कुछ ख़राब या रेत है, बट वो दो साल पहले का था, अभी पता नहीं मेरे को। और 29 किलोमीटर यहाँ से रह गया, पहुँचते हैं न्योमा, वहीं अपन आज रुकने वाले हैं।